हेलो मैम, हेलो। वेलकम टू आपका कहानी खोज प्रोजेक्ट में मैम आपका वेलकम थैंक यू वेरी मच। है। मैम आप अपने बारे में कुछ पहले तो बताइए हम लोगों को। क्या सुनेंगे मैम आप? अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करती हैं? नो हाँ, ऐसा बोले ना। मैं क्या करती हूँ, मैं एक बेसिकली मैं एक टीचर हूँ और बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मतलब खेलना बच्चे सीखते हैं तो खेल खेल में, और जब टीचर सीखता है तो बच्चों से ही सीखता है। ये बात मैं कह मतलब ये बहुत जरूरी है ये बात कहना कि टीचर ऐसे नहीं मतलब सीखता है, वो कमाल करता है तब जब उसको जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे उसको सिखाते हैं। कहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कहीं भी, तो बच्चा जो टीचर है वो मजबूर हो जाता है उसके बाद पढ़ाई करने के लिए। यानी जो टीचर जो बच्चा है वो टीचर है एक टीचर के लिए, जैसे बोलते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बराबर वही द स्टूडेंट इज द टीचर ऑफ अ टीचर। तो मैम अपनी स्टोरी के बारे में आप कुछ बताइए, जो स्टोरी आपने लिखी है। एक्चुअली जब हम छोटे हुआ करते थे तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे घर में, वो छोटी छोटी कहानियां सुना के अपने बच्चों को, हर किसी बच्चे को मतलब बिजी रखते थे, बिजी भी रखते थे। एक कहानियों का जो तसव्वुर आता था उन बच्चों में कि कैसी कहानी होती है। मैं भी छोटी थी तो ऐसे ही कहानी सुन सुन के बड़े हो गए, और जब मैं उस स्टेज पे पहुंची जब बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ, सभी बच्चे, तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे आते थे, उन बच्चों को मैं जमा करती थी। तो जिससे मतलब सालन डालते हैं ना, उसमें सब्जी डालते हैं बर्तन में, यस वो खा के, वो एक होता है चम्मच छोटा सा, दूसरा होता है बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा ले लेके मैं बच्चों के पास जाया करती थी। जी आपका नाम, आप मैं कहाँ से? मतलब नहीं नहीं बच्चों को मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं बच्चों को आपका नाम, आप कहाँ से, आप क्या बोलना चाहेंगी? वो बोलते थे हम स्टोरी बताएंगे। तो यही यही स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में घर कर गई। अब मैं छोटी छोटी स्टोरीज को मतलब ऐसे ही देख देख के स्टोरी लिखती हूँ, स्टोरी बताती हूँ। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जब इंसान सो जाता है, सो के उठता है, तो उसका जो जहन है वो सिर्फ एक कमरे तक होता है। यस कमरे के बाद जब वो चला जाता है मतलब वॉशरूम, उसके बाद किचन। कश्मीर में क्या है कि जो किचन है, किचन के साथ ही मतलब खाना बनाना, चाय बनाना और पिलाना भी उसी कमरे में होता है। अच्छा तो जब वो किचन में जाता है तो थोड़ा सा उसका जो जहन है वो मतलब एक्सपैंड हो जाता है, सुन देखता है, वसी हो जाता है कि और कोई चीज है मेरे अलावा भी। जब वो घर से निकलता है तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारी चीजें देखता है, तो उन चीजों को देख देख के कहानी बनाना ये बहुत बड़ी मतलब स्किल है, बहुत अच्छा अच्छा स्किल है। तो ऐसे ही एक कहानी सुनी थी मैंने, तो उसी को नया मोड़ देके मैंने जो अपनी कहानी लिखी थी वो आदमी की थी, और एक मतलब जिनी होता है, वो एक बहुत गरीब आदमी होता है, अपने बीवी बच्चे जो थे उसके वो उनके साथ रहता था और बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता था, ये जो स्टोरी है मैंने। अब आप सोचेंगे भाई ये करता क्या था, ये जो बड़ा बुजुर्ग ये आदमी था, गरीब था, हाँ ये एक फिशरमैन था, रोज सागर के किनारे जाता था और मछलियां पकड़ता था और उन्हें बेचकर अपनी बीवी को, बीवी बच्चों का, उनका जो पेट पालता था। एक दिन क्या हो गया कि ऐसे ही घंटों वेट करता था, एक दिन वो ऐसे हो गया, वो सागर किनारे बैठ गया और उसने अपने जाल को फैलाया। जाल को फैला के उसे बहुत समय के बाद उसे लगा कि जाल मेरा जो है वो भारी हो गया। उसने जाल को खींचा, खींचने के बाद जब खोला तो उसने देखा अरे ये तो पॉलिथीन है, पॉलिथीन के अंदर कीचड़ भरा है, जो ऐसी ऐसी जो गंदी गंदी चीजें हैं वो तो इसमें है। खैर परेशान हो गया, छोड़ दिया और जाल को खाली कर दिया, एक साइड में वो सब कुछ रह गया और उसने फिर से डाल दिया। अरे काफी सब थोड़ा सा समय गुजर जाने के बाद जाल फिर से भारी हो गया, तो उसे लगा कि कुछ तो है वहां से जो मुझे खींच रहा है, मैं उसको खींच रहा, तो उसने खींचा उस जाल को। अब तो कीचड़ था, अब तो कुछ भी नहीं था, वो परेशान हो गया। और
तो उसके बाद तीसरी दफा उसने खोला और वो परेशान हो गया। तो तीसरी दफा उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो ऐसे ही उसको लगा कि फिर से मेरा जाल भारी हो गया। तो उसने क्या देखा, अरे ये तो संदूक है, पुराना संदूक है जो जाल में आ गया। वो बहुत खुश हो गया, संदूक है, पता नहीं क्या क्या होगा उसमें। जो ही उसने उसका ढक्कन तो बहुत खूबसूरत था उसका, जो ही उसने उसका ढक्कन खोल दिया तो उधर से अचानक धड़ाम से एक जिन आ गया उसके सामने। इतना बड़ा जिन, इतना भारी भरकम, तो बोलने लगा मैंने मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, ऐसे आवाज में, मैं भूखा हूं, मैं बहुत भूखा हूं, मैं इतना मैं क्या करूं, अगर आपने मुझे खिलाया नहीं पिलाया नहीं कुछ नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। अरे बाबा, अरे तो मुझे खाएगा, मैंने क्या किया, मैंने बिगाड़ा क्या, आप बोल रहे हो खाऊंगा तुझे। उसने बोला मैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। ये परेशान हो गया कि मैं क्या करूं इस जिन का, ये तो मुझे अब, एक तो मैंने उसको बचा लिया, एक तो मैंने उसको आजाद कर दिया, और दूसरा ये मुझे ही खाने को जा रहा है। तो क्या हुआ, ये डरा हुआ था, बहुत परेशान था, खौफ था इसके दिल में कि मैं क्या, अब तो मुझे जिन खाएगा। तो यहां से वो चालाक भी था, तो अंदर से सोच रहा था कि मैं इसका क्या करूं, कि मैं इसको कैसे। तो उसने वो बोलने लगा, जिन बाबा आप मुझे एक बात बोलो, आप तो इतने बड़े हो, इतने बड़े, तो आप छोटे से बक्से में कैसे आ गए। तो वो कहने लगा, मुझे चैलेंज करते हो, मुझे जिन बाबा को चैलेंज करते हो, मैं दिखाता हूं आपको कि मैं कैसे इस बक्से में था। उसने बोला हाँ दिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, अब तो इतने बड़े हो और इतने छोटे इस बक्से में। उसने क्या किया, उसने अपने आपको छोटा 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 करके जंप लगाया बक्से में। अरे ये दौड़ के आ गया, जल्दी 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 इसने क्या किया, मछुआरे ने उसने बक्से को बंद कर दिया और वापस लगा दिया समुन्द्र में, सागर में डाल दिया उसको। अरे जान बची तो लाखों पाए, उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया था। तो उसने बोला यही जिन मुझे तंग कर रहा था, ये अब तो उसने डाल दिया उसको उसने। तो अगली बार वो फिर से निकला, अगली बार नहीं अभी उसी समय, तो फिर से इस जाल को, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था खाने को, तो उसने बार, और तो इस बार क्या हुआ, इस बार एक बहुत बड़ी मछली फंस गई उसके जाल में। उस मछली को लेके आया और अपने घर वालों, क्योंकि वो बेचता था, वही मछुआरा था, तो उसी पे उसका गुजारा होता था। तो ये जो मॉरल है, क्योंकि छोटी छोटी स्टोरीज में लिखती हूँ, तो एक ये जो मॉरल है उस कहानी का, कि जो खुद अपना काम करता है ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। और ऐसे ही जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि किस तरह से एक क्रिएट होती है, कि बड़े बड़े मतलब एक्सपोजर, जो जब हम बच्चों की बात करते हैं एक्सपोजर कितना मस्ट है। पहले वो घर में होता है, बच्चा घर में होता है, घर के सिर्फ चार दीवारी के अंदर होता है, फिर वो घर से बाहर जब निकलता है तो वो पेड़ों को देखता है, तो फिर पत्तों को देखता है, तो फिर ऐसी ऐसी चीजों को देखता है। और जब आ, आ, हमें बोला गया है जब भी आप कोई स्टोरी लिखो तो उस स्टोरी को कैमरे की आई से लिखो। कैमरे की आई क्या होती है, जैसे मैंने कुछ देखा, मैंने एक वीडियो लिया, किसी चीज का वीडियो लिया, ऐसे ही जब मैं कहीं जा रही थी तो मैंने वीडियो लिया। अब उनमें से मुझे कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ चीजें मैं भूल जाती हूँ, और जब मैं वीडियो देखती हूँ तो उसमें मैं क्या देखती हूँ, उसमें मैं बादल भी देखती हूँ, उसमें मैं परिंदे भी देखती हूँ जो पक्षी होते हैं, तो उसमें वो भी देखती हूँ, उसमें जो रास्ते में चल रहे होते हैं जानवर वो भी देखती हूँ, मैं इंसान को भी देखती हूँ, पेड़ पौधों को भी देखती हूँ, कुछ पत्तों को मैं गिरते हुए देखती हूँ, बादल को उड़ते हुए देखती हूँ। यानी ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं इंसान भूल जाता है, और जब कैमरे की निगाह से देखो, आई से, कैमरे की आई से देखो, तब जाके ये सब सब बातें हमारे दिखाई देंगी। सामने आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ, आप, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, मैं आपकी नोज भी देख रही हूँ, मैं आपके टीथ भी देख रही हूँ, मैं आपकी आईज भी देख रही हूँ, मैं स्विच भी देख रही हूँ, मैं जो आपके पीछे ये छोटा सा ये लगा है, क्या जो तस्वीर लगी है, मैं ये भी देखती हूँ, और मैं दीवार भी देखती हूँ, दीवार पे सफेद रंग भी देखती हूँ, मैं काले काले स्विच भी देखती हूँ, मैं आपका
कोई प्लग लगा है, पता नहीं किसका है, मगर ये सफेद रंग का है, ये भी देखती हूँ। यानी रंग भी आ गए मेरे, मेरी दीवार भी आ गई, आपके काले बाल भी आ गए, आपकी आंखें भी आ गई, यानी सब कुछ जो है उसको अगर मैं अपनी कहानी में समेटूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखते देखते मैं आपको एक बात बोलूंगी, अभी अभी मैं ऑफिस से आ रही थी, ऑफिस हमारी ट्रेनिंग चल रही है अभी इस वक्त, तो मैं आ रही थी, सुबह मैं ढूंढ रही थी, तो मुझे मैं सॉक्स ढूंढ रही थी, सॉक्स तो मुझे मिला मगर फटा हुआ सॉक्स मिला, अब मैं क्या करूं। तो उस सॉक्स पे जब मैं जा रही थी ऑफिस, तो जाते जाते उस सॉक्स पे मैंने एक स्टोरी लिख दी, फटे हुए सॉक्स पे कि एक मतलब थोड़ा। मैम बेसिकली छोटी छोटी चीजों को आप ऑब्जर्व करती हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी स्टोरी को राइट करती हैं। तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, छोटी ऑब्जर्वेशन से ही मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छी स्टोरी निकल के आती है हमारी। बहुत मैम अच्छी स्टोरी जो हमारे बच्चों के काम आती है। आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि आप स्टोरी के बेसिस पे मतलब बच्चों को पढ़ाती हैं, स्टोरी के जरिए पढ़ाती हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है जब स्टोरी के जरिए आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो? वो बच्चे बहुत खुश होते हैं, और जाहिर सी बात है बच्चे जब स्टोरी सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है स्टोरी, और वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते हैं। और न सिर्फ वहां पे हमारे कार्ड्स भी होते हैं, स्टोरी कार्ड्स। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, जैसे लेटर स्टोरी है, लेटर्स की, ए से लेके जी तक, तो ए बी सी डी ई एफ, उसकी मैंने एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊं अगर आप बुरा ना मानो। नहीं, मैं ये एक ऐसी अल्फाबेट स्टोरी है, ए बी सी डी, जैसे मैंने उसके उसकी शक्लें भी हैं, ए से एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये सब कुछ है। तो स्टार्ट मैंने करा कहीं से, ये जरूरी नहीं है आपको एप्पल से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट मैंने किया है क्यू से, क्यू मीन्स क्वीन, क्यू से क्वीन। मैंने इसमें बोला है ये कहानी बहुत पुरानी है, ये पुरानी नहीं है, मतलब स्टार्ट मैंने करा है, अल्फाबेट स्टोरी है तो ये कहानी बहुत पुरानी है। एक प्यारी सी महारानी थी, क्यू फॉर क्वीन, महारानी। उसकी नाक बहुत खूबसूरत थी, उसकी नाक यानी इसको जोड़ना उसके साथ, क्योंकि बच्चे इस तरह से ग्रामर भी सीखते हैं। एक प्यारी सी महारानी थी, उसकी नाक बहुत खूबसूरत थी, एंड फॉर नोज, नोज मीन्स नाक, वो हर किसी का सुनती थी, किसी को नाराज नहीं करती थी। एक दिन की बात है, एक लड़का यानी बी फॉर बॉय और एक औरत यानी डब्ल्यू फॉर वुमन यानी उसकी माँ, दोनों महारानी के पास गए ये पूछने के लिए कि सूरज यानी सन, एस फॉर सन, सूरज चढ़ने से क्या होता है। महारानी ने लोटे में, जे फॉर जग, पानी मंगवाया, उनको पानी पिलाया और उनके सवाल का उत्तर देने लगी। सुनो, सूर्य से पूरी दुनिया रोशन होती है, पूरी रात आराम करने के बाद पक्षी और पशु जागते हैं। अब आप बोलेंगे कि कौन से पक्षी और पशु, कोई बात नहीं मैं वो भी बोलूंगी। मिसाल के तौर पे चूहा, आ फॉर रैट, बिल्ली, सी फॉर कैट, कुत्ता, डी फॉर डॉग, मुर्गी, एच फॉर हैन, मंकी, बंदर, मोर, पीकॉक, बकरी, गोट, हाथी, और तो और मछली भी, याक, मछली भी, यानी ये ए ए से लेके जी तक जो स्टोरी बताता है। साथ में ये भी बोला, सूरज की रोशनी और गर्मी पेड़, टी फॉर ट्री, के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये दोनों बहुत खुश हुए और उसे कहने लगे, महारानी जी, हाँ, पेड़ों से हमें मेवा हासिल होता है, सेब है, संतरा है, एप्पल, ऑरेंज और बाकी मेवे भी। उन्होंने महारानी साहिबा का शुक्रिया अदा किया और घर जाने की तैयारी करने लगे। जाते जाते जब वे बाग के रास्ते से जा रहे थे तो उनकी नजर एक लंबे से पेड़ की तरफ गई, तो क्या देखते हैं कि एक रंग बिरंगी पतंग, के फकाइट, पेड़ पे लटकी हुई थी। उन्होंने पतंग की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उनको लगा कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। छतरी उनके साथ तो थी, यू फॉर अम्ब्रेला, लेकिन वो गाड़ी में थी, वैन, बी फॉर वैन। गाड़ी थोड़ी दूरी पे थी, जब वो गाड़ी की ओर जा रहे थे उन्होंने एक खूबसूरत सा एक्समोस ट्री देखा। उसके नजदीक किसी ने प्यारा सा इग्लू रखा था। ये सब चीजें देखकर ये दोनों बहुत खुश हुए, गाड़ी में बैठ गए, घर की तरफ जाने ही वाले थे कि एक शेर, लॉयन और जेब्रा गाड़ी के सामने आ गए। उन्होंने गाड़ी को रोका, थोड़ा समय इंतजार किया, शेर और जेब्रा एक तरफ निकले और ये दोनों दूसरी तरफ। कहानी खत्म, यानी
लेटर्स को लेके कहानी बनाना। जैसे मैंने अभी बोला आपसे, मैंने बात की कि किस तरह से, जैसे सॉक्स की कहानी है, तो एक बच्चा, एक मम्मी ने अपने बच्चे के लिए सॉक्स लाए थे। अच्छा मैम, सॉक्स एक क्वेश्चन था मैं, सॉरी, कि आपने बोला कि आप स्टोरी के बेसिस से बच्चों को पढ़ाती, तो मैम आपने वैसे भी देखा होगा कि नॉर्मली जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो क्या कितना इम्प्रूवमेंट होता है बच्चों, क्या डिफरेंस आता है उस तरीके से पढ़ाने में और स्टोरी के जरिए पढ़ाने में, बच्चों में क्या डिफरेंस आता है? एक बात तो है, इंटरेस्ट बढ़ जाती है बच्चों की। दूसरा, उनकी नॉलेज जो है, जिनको हम उर्दू में बोलते हैं जखीरा अल्फाज, जो अल्फाबेट्स या ये जो लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स उनके जहन में चले जाते हैं, वो बार बार पूछते हैं और उसके बाद एक्ट करते हैं, कनेक्ट स्टोरी के जरिए हम कह सकते हैं कि कनेक्ट कर पाते हैं बच्चे उससे। कर पाते हैं। और जब वो एक्ट करते हैं, एक्ट करने से उन्हें याद रहता है। और वो, और दूसरी बात यह है कि वो लिखने की, खुद लिखने की कोशिश करते हैं। हम बताते हैं, आप जो आगे, आपने सिर्फ, आप मुझे बोले सिर्फ रास्ते में आपने क्या क्या देखा, वो देखा, ये देखा कि नाउन हो, नाउन उसके, उनके साथ है, क्यों, ये भी तो है। जब मैंने बोला कि पूरी दुनिया है, पूरी कायनात है, इसको ऊपर वाले ने बनाया, इस पूरी कायनात में हमें एक तो जगह है जिस जगह हम रहते हैं, जहां लोग रहते हैं, उन जगहों का नाम होता है, और जो चीजें दी हैं ऊपर वाले ने हमारे लिए, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, जंगली जानवर हैं, पानी है, ये सब कुछ जो कुछ दिया है। और हम जानदार और बेजान, जानदार जिनमें जान होती है, बेजान जिनमें जान नहीं होती है, और वो चीजें जहां हम रहते हैं, यही तो नाउन है। और इस नाउन में मुझे बोले किसने क्या क्या चीज, किस किस चीज को देखा है रस्ते में, जब वो आते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, छोटी छोटी राइम्स बनाते हैं, न सिर्फ, क्योंकि हम समझते हैं ये जो है स्टोरी, कहानियां जो हैं वो बहुत जरूरी हैं बच्चों के लिए। कहानियों से बच्चे सीखते हैं, और खुद जब वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं तो वो खुद लिखने की कोशिश करते हैं, अपनी कहानियां बनाते हैं, अपने क्लासरूम की कहानियां बनाते हैं, अपने किताबों की कहानियां बनाते हैं वो। जो डेली लाइफ में उनकी चीजें रहती हैं वो उसके बेसिस पे स्टोरीज बनाते हैं। या आना जाना हो, आना कितने बच्चों के साथ, आज मैं इतने बच्चों के साथ, हम कोशिश करते हैं कि बच्चे खुद लिखें कि दिन भर उसने क्या किया, हर बच्चे ने क्या किया, वो लिखने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें आए या ना आए, कोशिश तो करते हैं। जब पहली बारी छोटे बच्चे, हम अपनी लैंग्वेज में उनको, मतलब अब हमारी भाषा जो है कश्मीरी लैंग्वेज है, और कश्मीरी लैंग्वेज में सब बच्चे, मतलब बहुत कुछ लेके आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं स्कूल, मगर किस भाषा में, अपनी भाषा में। जब उनको आहिस्ता आहिस्ता सिखाया जाता है, जब मैं, मेरे बच्चे ने, जब मैंने एक बच्चे से कहा था ये किसकी कॉपी है, तो एक एक बच्चा, उसने बोला मैम मैं, वो ये नहीं बोल सका कि ये मेरी कॉपी है, तो बोला मैम मैं, और मैं फूले ने, मैं इतनी खुश हुई कि कम अज कम इसने मैं तो बोला। आज वो बच्चा इतनी सारी बातें करता है। एक और एक्टिविटी हमारी, मतलब बोलने बोलने पे मैं ये कहूंगी, कुछ नहीं बोलता था वो, इतना शाय, इतना शाय, मतलब कुछ भी नहीं बोलता था। तो मैंने, मेरे हाथ में फोन था और उसके हाथ में डस्टर, मैंने दे दिया उसको, एक कोने में बिठाया, खुद अपने कोने में बैठ, दूसरे कोने में बैठ गई अपने क्लासरूम के कोने में, मतलब स्टोरी। एक और बच्चे को मैंने बोला आप ऑब्जर्व कर लें कि हमारे दरमियान क्या, कौन कौन सी बात हो रही है। मैंने बोला हेलो, वहां से किया हेलो, कौन मैम, मैं रियान, रियान कहाँ से, मैम मैं लाल चौक से, नहीं तो क्लासरूम में है ना सभी, वो कॉर्नर पे है, मैं यहाँ पे बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि आप ऑब्जर्व कर लें, क्या कर रहे हो, मैं कुछ नहीं, कुछ है खाने के लिए, हाँ है, मेरे लिए लाओगे ना, ला हाँ। तो इतनी बात इतनी हुई हम दोनों के दरमियान, जो कम्युनिकेशन हुई सिर्फ इतनी बात। तो इस बात पे आहिस्ता 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 वो बच्चा खुल गया, और इतनी, आज वो इतनी अच्छी स्टोरी लिखता है, इतनी अच्छी स्टोरी लिखता है, एक्ट करता है और दूसरों को भी सिखाता है। एक छोटी सी बात, जब तक कि एक टीचर बच्चे के साथ, मतलब घुल मिल न जाए, अच्छी तरह से उसको अपना ना बनाए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उन्हें अपना बनाए, अपना बच्चा समझ के, तब जाके बच्चे भी बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो
उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टीचर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से वो कंसल्टेशन लेता है, उसके साथ बात करता है बहुत अच्छी तरह से। मगर एक बात जरूरी है कि हमें बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ना है। और जब हम कहानी की बात करते हैं, कहानी बहुत फायदेमंद होती है और उसमें से कुछ ना कुछ मॉरल तो निकलता है ना। मैंने मैंने तीसरी बार ये सॉक्स की बात जो मेरे जहन में आ गई थी, तो एक माँ ने लाए थे सॉक्स, लाए थे अपने बच्चे के लिए, तो वो रोज काटता था। एक दिन उस माँ ने क्या किया, उसने बच्चे को साथ लेके गई दुकानदार के पास। तो बोला, दुकान भाई साहब मुझे इस बच्चे के लिए सॉक्स चाहिए। उसने बोला, 10 रुपए का भी है, 20 का है, 50 का है, 150 का है। तो उसने बोला, नहीं, मेरा बच्चा है, उसको 150 का दे दीजिए। तो उसने बच्चे के हाथ में 150 रुपए थमा दिए और सॉक्स लाया। जब बच्चा घर पहुंचा, तो अगली दफा जब उसने सोचा कि मैं आज इस सॉक्स को काट लूं, नहीं, उसके जहन में आके, नहीं, मम्मा ने सबसे जो कीमती सॉक्स है ये मेरे लिए लाया था और मैं रोज रोज काटता था, अब मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि ये मेरी मम्मा ने 150 रुपए में लिया था, पैसे मैंने ही दे दिए दुकानदार को। अगर जब 150 उसके जहन में आ गया, तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कहानी के जरिए से जब उस बच्चे को ये जहन में आ गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जो बच्चे सुनते हैं या जो बच्चे सुनेंगे, ये तो आज की स्टोरी है, 1 घंटे की स्टोरी है, जब बच्चे यही 1 घंटे की स्टोरी 1 मिनट में, तो जब बच्चे यही स्टोरी सुनेंगे, तो उनके जहन में भी जरूर आएगा कि नहीं, हमें इस तरह से नहीं चलना है, हमें इस तरह से चलना है, हमें इस एंगल से नहीं जाना है, हमें इस एंगल से जाना है। यानी बहुत जरूरी है स्टोरीज बच्चों के लिए, खास तौर से छोटे बच्चों के लिए, जो प्राइमरी लेवल तक या बड़े, मतलब या बहुत सारी स्टोरीज होती हैं हमारी बुक्स में, जिनका कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई मकसद लेके जहन में आता है कि इसका सीधा असर होना चाहिए हमारे बच्चे पे। ऐसी ही स्टोरीज और ऐसे ही जहन हैं, हमारे उपजाऊ जहन हैं, और इनमें कुछ भी आ सकता है, मगर इंसान को सोचना है पॉजिटिव। मैम, आपने लॉकडाउन में स्टोरीज पे काफी वर्क किया है, जी 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 आपने ऑडियो वीडियो भी बनाया, तो कुछ एक्सपीरियंस बताइए मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली मैं पहले बनाती नहीं थी, लॉकडाउन ने एक नई दिशा दिखाई हम वीडियोस बनाने। उससे पहले हम बनाते थे स्टोरीज ऐसे ही, वो सिर्फ मेरे एक बंदे के पास रहती थी वो स्टोरी, मेरे पास, मेरे बच्चों के पास। और जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वो घर घर गया, वो हर जगह गया, क्योंकि हम उसके बाद हमने कंटेंट क्रिएट किया। एक स्टोरी को 2 मिनट में कंप्लीट करके उसको वीडियो, उसको ऑडियो और पूरी स्टोरी बच्चे की समझ में आ गई। अच्छा, हम पहले देखते थे हम यूट्यूब से कोई ऐसा वीडियो, फिर वो रिमूव हो जाता था अचानक खुद ब खुद। फिर हमने कोशिश की कि हम ये जो मटेरियल है इस कहानी को जोड़ने के लिए, इस कहानी को बनाने के लिए मैंने मटेरियल की जरूरत है, क्योंकि एक एक 3 सेकेंड्स के लिए मुझे एक एक फोटोग्राफ चाहिए, 3 सेकेंड्स के लिए, यानी 2 मिनट की या 3 मिनट की कहानी के लिए मुझे कितने सारे फोटोग्राफ्स चाहिए। उसके लिए हम जगह जगह, जहां मुझे लगा हाँ ये तो मेरे काम आ सकता है ये फोटोग्राफ, तो खींचा अपनी जगह, हर जगह जहां गए वहां फोटोग्राफ, साथ साथ जहां गए वहां फोटोग्राफ, जैसे एक्शंस का भी फोटोग्राफ, जैसे मैं खाना खाना मैंने ले लिया है, ये खाना मैं लेती हूँ, जब मेरा हाथ गया नीचे तो इसका फोटोग्राफ, जब मेरा यहाँ गया तो इसका फोटोग्राफ। यानी बच्चे के जहन में आना चाहिए कि ये कौन सी एक्शन होती है, ये क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं, वीडियो के द्वारा और फोटो से, फोटो और वीडियो से। तो पहले नहीं करते थे हम, तो इस लॉकडाउन की वजह से इसमें प्लस पॉइंट ये आ गया कि हम घर घर पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए इसकी वजह से। तो ये भी, फिर एक्यूरेट फोटोग्राफ पे एक्यूरेट वॉइस, जैसे मैं महिमा मैम की बात कर रही हूँ, ये देखिए ये हमारी महिमा मैम, ये अभिषेक सर हैं, तो ये से मतलब उनका फोटो आना चाहिए साथ साथ, यानी ऑडियो और वीडियो एक साथ होना चाहिए। ये कोई दूसरी बात कि बार बार जब भी हम किसी चीज को लें, तो साथ में उस
ऑडियो और वीडियो दोनों साथ साथ होने चाहिए, और उस वजह से हमने बहुत सारी स्टोरीज बनाई, मतलब जो बुक्स में था उनको स्टोरी की शेप देके, स्टोरी की शेप जैसे छोटे छोटे कार्टून्स होते हैं, छोटा बच्चा एक बहन भाई के साथ, अरे ये बारिश, इस बारिश ने तो तंग कर दिया, अरे बाबा ये मैम क्या करेंगे मेरे कपड़े भीग गए, अरे यहाँ से माँ होती है, अरे बेटा ऐसा नहीं करते, जैसे ऐसा नहीं करते, बारिश को बड़ा मतलब बुरा भला नहीं कहते, इसे पानी हमें मिलता है, समर्स में ऐसा होता है, यानी हम बच्चों को ये भी दिखाते हैं कि बारिश के क्या क्या फायदे हैं। बच्चे तो बोलते हैं हमारे कपड़े भीग गए, ये तो सूख भी सकते हैं, मगर जो बारिश के फायदे हैं, पानी के फायदे हैं, हमें पानी को जाया नहीं करना चाहिए, हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, या पोल्यूशन के हवाले से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कि जब आप बच्चे को दिखाते हैं वो तो बार बार देखता है, बार बार देखता है, बार बार देखता है कि पोल्यूट नहीं करना चाहिए। हम तो बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से छोड़ते हैं, जब वो बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। आप सुनिए, जब हम रेडियो पे जब कोई ऐड आता है या टेलीविजन पे ऐड आता है, दो बूंद जिंदगी के, दो बूंद, दो बूंद, दो बूंद, हर जगह दो बूंद है, आप देख लीजिए, ये दो बूंद सभी जानते हैं। अगर इसी तरह से हमारे जो क्लासेस हैं ऐसे ही आ जाते तो कितना अच्छा होता, हमारी कहानियां ऐसे आ जाती तो बच्चे के एक एक हर मतलब आंखों में भी उनके वही होता, वैसे ही कहानी। या हम देखते हैं अमूल दूध पीता है इंडिया, ये तो बच्चों को याद है, हमारे बच्चों को याद है, टाटा शक्ति टीम, टाटा शक्ति टीम, टाटा और शक्ति, टाटा शक्ति टीम, मतलब नहीं मैं ऐड नहीं कर रही हूँ किसी चीज का, मैं देख रही हूँ कि जो राइमिंग वर्ड्स है उनको याद रहते हैं, जो स्टोरीज है अच्छी अच्छी स्टोरीज कार्टून्स वो सब कुछ तो उन्हें याद रहता है। अगर उसी हिसाब से हमारे टीचर्स उनको छोटी छोटी कहानियां बना के दें, हमारे टीचर्स छोटे छोटे राइम्स बना के दें उन बच्चों को, उनको याद भी रहेगा अच्छी तरह से, और वो उन चीजों पर एक्ट भी करेंगे, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत सारी चीजों की जरूरत है, उनको फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए, खेल खेल में वो फिजिकली डेवलप हो जाएंगे, उनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जरूरत है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उनका हो जाएगा आराम से, उनको लैंग्वेज डेवलप करना है, और सबसे बड़ी बात जो स्टोरीज हैं उनका प्लस पॉइंट ये है कि बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है। अब मैम आपने अपनी स्टोरी में एक चीज मेंशन की, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब फिशर मैन ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो है जिनको फिर से बॉक्स में बंद करके समंदर में डाल दिया। मैम प्रेजेंस ऑफ माइंड को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड शॉप जिसको हम बोलते हैं, हाजिर, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर मैं किसी बच्चे से या आपसे कोई सवाल पूछ लूं, आप लोग किसी किसी ने किसी तरीके से वो मुझे मोटिवेट करेंगे, आप कहीं ना कहीं मुझे इधर उधर, इधर का इधर बोलेंगे, उधर का इधर बोलेंगे, मगर मुझे जवाब देंगे, यानी इसका माइंड जो है वो कहाँ पे है, वो कितना प्रेजेंटली वो कितना काम कर रहा है, आपका मतलब मेरा माइंड, आपका माइंड, हमारे बच्चों का माइंड, कि कहीं ना कहीं से लाके वो या अगर हम स्टोरी में प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करें, स्टोरी में यानी बच्चे ने गौर से सुना, बच्चे ने पूरी तरह से, अगर मैं उससे अब कहानी के बारे में कोई सवाल पूछती हूँ वो मुझे पूरी तरह से अच्छी तरह से जवाब देता है, यानी उसका माइंड जो था वो प्रेजेंट था, वो फिजिकली भी प्रेजेंट था, वो हमारा बच्चा जो है वो दोनों तरह से प्रेजेंट था, उसने सुना भी, और हमारे साथ जो जिस सवाल का हम जवाब चाहते हैं वो जवाब, उस चीज का भी जवाब, और सोचता है कि ये टीचर ये मैम कब जाएगी, मैं क्या करूं, मैं कुछ इस तरह करूं कि प्रेजेंस उसकी देखनी है कि मैं उस ये कब निकलेगी, या इस मैम को ये मैम जानी चाहिए, हमारी दूसरी मैम आनी चाहिए जो हमारे साथ घुल मिल जाती है, जो हमारे साथ खेलती है, जो हमें स्टोरीज सुनाती है, या जो हमें ड्राइंग कराती है, ड्राइंग ड्राइंग के ड्राइंग के द्वारा बच्चे स्टोरीज सीखते हैं, मतलब मैंने कई शक्लें डाल दी किसी चार्ट पेपर पे या ऐसे ऐसे शक्लें डाल दी है, तो वो खुद स्टोरीज बनाते हैं, बनाते क्या है कि हम बोलते हैं कि एक एक जुमला, एक सेंटेंस बोले आप इसके,
फिर वो अपना ही क्या क्या है क्या नहीं वो तो खुद ही बनाता है, अपना सेंटेंस खुद ही बना के आगे कर देता है। वो भी हम, मतलब मैं तो उस बात को भी प्रेजेंस ऑफ माइंड में भी लाऊंगी। एज अ कंटेंट क्रिएटर में प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी भी स्टोरी राइटर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक जो क्रिएटर होता है स्टोरी या कंटेंट क्रिएटर, उसको उसकी नजर हर जो साइड है हर साइड पे, देखिए मेरी नजर दाएं बाएं आगे है, दाएं बाएं और आगे है, मगर जो कंटेंट क्रिएटर है उसकी नजर 6 साइड्स पे होनी चाहिए, दाएं भी बाएं भी ऊपर भी नीचे भी आगे भी और पीछे, ये चीजें उसको हर हाल में हर चीज में उस पे नजर होनी चाहिए कि मेरे पीछे भी क्या हो रहा है, मेरे आगे भी क्या हो रहा है, ऊपर भी क्या हो रहा है, नीचे भी क्या हो रहा है, और दाएं भी क्या हो रहा है और बाएं भी क्या हो रहा है। इन चीजों पे नजर रखना बहुत जरूरी है। और जो हमारी सोसाइटी में बहुत ऐसी चीजें हैं या जिन पर नजर रखना लाजमी है, हम अगर हम रोजाना सुबह निकलें तो हम नोट करते जाएंगे कि आज दिन भर मैंने क्या किया, दिन भर क्या क्या किया मैंने, क्या मैंने, हम बोलते हैं कि आज मतलब अभी तो विंटर का समय है, फिर समर आएगा, फिर विंटर आएगा, फिर समय, ये समय है जो गुजरता जा रहा है, और इस हमें नजर रखनी है समय पे, जो हमारा समय निकल रहा है हमारे हाथों से, ये नहीं विंटर है तो विंटर तो विंटर तो विंटर को आना है ना फिर से। कंटेंट क्रिएटर को इस पे नजर रखनी है कि मेरा समय जा रहा है, मेरा जो बच्चा है उसका समय जाया नहीं होना चाहिए, वो इतना अच्छा होना चाहिए, उसकी नजर उस हद तक होनी चाहिए कि बच्चे का समय जाया नहीं होना चाहिए, बच्चा सोच सके समझ सके कि इस पल को मैंने जाया नहीं करना है, नहीं तो मैं बोलती कि अब तो विंटर है, अब तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, अरे एंजॉय कर ले, बर्फबारी हो रही है तो खूब होने दो, अगले साल भी होगी, साल साल लम्हा लम्हा दिन दिन एक एक महीना ये तो हमारे हाथों से निकल रहा है। यानी कंटेंट क्रिएटर को उस चीज का भी ख्याल रखना है कि ये समय है जो रुकता नहीं, जो थमता नहीं, जो झुकता नहीं, बाकी तो सब चीज रुक जाती है मगर समय रुकता नहीं। ओके मैम, दूसरी चीज, आपकी जो स्टोरी जब मैं पढ़ रही थी तो जस्ट 331 वर्ड्स में आपने इतनी ब्यूटीफुली उसको इतनी शॉर्ट स्टोरी, मतलब कैसे, क्या इम्पोर्टेंट होता है इतनी शॉर्ट स्टोरी को इतनी ब्यूटीफुली क्रिएट करने के लिए क्या क्या जरूरी हो सकते हैं मैम? देखिए एक बात तो है कि जब इंसान स्टोरी लिखता है फिर खुद ही करेक्ट करता है, अगर आप खुद लिखेंगी कुछ भी आर्टिकल लिखेंगी उसको आप जितनी बार आप नए सिरे से पढ़ेंगी आप उतनी बार उसको फिर से करेक्ट करती जाएंगी, और लास्ट में रहता है एक खूबसूरत सा वो फूल कहूं मैं, जहां से नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं इस अल्फाज को, ये जो लफ्ज है इसको मैं निकालना चाहती हूँ, इसके बदले में आपके पास कुछ ऐसा लफ्ज है जो मैं स्टोरी में डाल दूँ, मतलब दाएं बाएं किसी और से, या इससे बढ़कर कुछ अच्छा सा होना चाहिए, डिक्शनरी खोल दी, नहीं इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, ये तो एक्सलेंट वर्ड है, परफेक्ट वर्ड है मेरी स्टोरी के लिए। हाँ गुंजाइश रहती है, अगर अगर आप भी कर सकती हैं, जहां यहाँ तक तो स्टोरी हो गई है, अगर आप खुद फिर से पढ़ेंगी इस स्टोरी को आप भी बोलेंगी नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए, हर मोड पे हर समय पे इंसान को हमेशा गुंजाइश रहती है और करेक्ट करने की, मगर जहां पे लगे कि इसे बढ़िया हो सकती है, इससे भी बढ़िया हो सकती है, मैं बोल रही हूँ कि ये जो स्टोरी है इससे भी बढ़िया हो सकती है, मगर फिर से लिखना, फिर से काटना, खुद ही लिखना खुद ही काटना, नया लफ्ज वर्ड, नया वर्ड दे देना, नया लफ्ज दे देना, ये बहुत मतलब जरूरी, मैं नहीं समझती हूँ जरूरी है, मगर ब्यूटीफुली तब ही किया जा सकता है जब उस पर इंसान मेहनत करे, बहुत ज्यादा मेहनत करे। आपका कहने का मतलब है कि हमको बार बार एक ही स्टोरी पे बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार उसको समझना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हम इसमें और क्या बेटर कर सकते हैं। हाँ उसपे कितना बेटर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फिर कि एक ही स्टोरी, एक स्टोरी तो हो गई मगर उसपे जरूरी है प्रूफ रीडिंग, बहुत प्रूफ करने की बहुत जरूरत है, और प्रूफ खुद जो लिखे वो प्रूफ ना करे क्योंकि उसको लगेगा मेरा ठीक है, प्रूफ रीडिंग के लिए किसी और को दे,
जो प्रूफ रीडर हो, जो इसको ठीक कर सकता हो। मतलब मुझे लगता है मैं कोई लफ्ज ऐसा बोलती हूँ मतलब अपने हिसाब से, आप उसी लफ्ज को दूसरे हिसाब से बोलती हैं, अपने अपने अंदाज से बोलती हैं। तो उस चीज को, इस चीज को बेटर करने के लिए किसी अच्छे थर्ड पर्सन को दे दी जाए मेरी स्टोरी, आपकी स्टोरी, किसी और की स्टोरी, ताकि वो देख सके कि सही क्या है और गलत क्या है। ओके थैंक यू मैम। हम लोगों का कहानी खोज प्रोजेक्ट में पार्ट सेकंड लॉन्च किया गया है, उसमें यही है कि हम लोग फिर से स्टोरीज को कलेक्ट करेंगे। तो मैम क्या पार्टिसिपेट कर रही हैं पार्ट हाँ सेकंड? जी, हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं, हमेशा, जो ही थर्ड भी आएगा तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहूंगी, मुझे तो बहुत मैम, अच्छा लगेगा। मैम व्यूअर्स को ही मैं बताना चाहूंगी, 15 फेब तक अगर वो चाहें तो अपनी स्टोरीज हम लोग को दे सकते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं लिखने में। और अगर उनकी स्टोरी सेलेक्ट होती है तो फिर हम लोग उनके साथ भी एक छोटा सा वीडियो इंटरेक्शन करेंगे। तो ये हम लोग कहानी खोज प्रोजेक्ट का मैम वो है। और मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगी, कोशिश कर लें लिखने की, क्योंकि अगर उनके पास समय है, समय है, जो भी समय मिलता है आप लिख लें, क्योंकि ये आपके हाथ में है। कहीं जा रहे हैं आप तो रास्ते में, आप अपनी गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो उस समय को भी जाया ना करें, लिख डालें। नहीं तो मतलब जब आना जाना रहता है कहीं पर भी, जब हम बैठते हैं गाड़ियों में सिर्फ बाहर देख के, या ना कोई किसी के साथ बात करता है ना कुछ, अरे क्यों क्यों ना वो उस समय का फायदा उठाए, क्यों ना वो खुद लिखे। चलिए कुछ नहीं तो कम से कम शायरी तो कर सकता है ना। एक कल मैं मतलब बच्चों के लिए लिख रही थी, मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, मतलब दाएं भी, राइट लेफ्ट, वर्ड्स ऑपोजिट्स, आगे पीछे, मतलब साथ साथ, एक छोटी छोटी, एक ही वर्ड क्यों ना लिखूं, एक ही शेर क्यों ना लिखें, एक ही सेंटेंस क्यों ना लिखें, आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में आ जाएगा। सिर्फ अगर वो दिन भर कोई भी बंदा जाता है, धुआं देखता है, पोल्यूशन पे लिख सकता है आराम से, कि इससे हम पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। अच्छा, लोग जाते हैं, लोग आते हैं, जब भी आप देखे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं जाते हैं लोग, आते हैं ना, अरे इसका इसका मतलब क्या है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मगर आप देख ले इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिया, और बड़ी यहां से वहां तक रेलगाड़ी जैसी गाड़ी है, तो कोल्ड ड्रिंक पिया और टिन बाहर फेंक दिया, अरे क्या क्या इमेज होगी उसकी इस बड़ी गाड़ी में, इस ऐसी गाड़ी में बैठे लोग फिर बाहर कूड़ा डाल रहे हैं, मतलब ये तो सोचना है ना। तो जब हम उस पे कहानी लिखेंगे तो हम समझते हैं ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ जाए। तो वो सोचेंगे डस्टबिन लगे हैं, क्यों ना उसमें डाल दिया जाए, हम मकानों से डस्ट निकाल के बाहर फेंकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम। अच्छा, ड्रेन्स, इतनी बड़ी बड़ी ड्रेन्स बनी हैं, अगर हम बात करेंगे तो पॉलिथीन जो होते हैं वो डालते हैं हम ड्रेन में, जल्दी 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 कूड़ा 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 हटा दिया तो ड्रेन में। अच्छा, अब उसमें अब रुकावट आ गई, अब ड्रेन के ऊपर जाता है पानी, अब क्या, अब तो ड्रेन को खोलना है। ये थोड़ा बहुत इसको समझाने की जरूरत है, और ये हम बच्चों के द्वारा ही छोटी छोटी कहानियां लिख लिख के बच्चों को इस बात का एहसास दिला सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं कि ये करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से वैसा होता है, कि नहीं करना चाहिए, नहीं, डस्टबिन डस्टबिन डस्टबिन। तो कहीं ना कहीं जब आदत बन जाती है, और यही जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा आने वाला कल है, और इसी पे हमारी सोसाइटी का दारोमदार, जो कंधों पे, इन्हीं के कंधों पे है। अगर ये समझदार होंगे, अगर ये सच्चे होंगे, इनको सिखाना है ना सच्चाई, उनको सिखाना है ना समझदारी, अगर ये सच्चे होंगे, समझदार होंगे, तभी तो हमारी सोसाइटी सच्ची होगी, और हमारी सोसाइटी जो है वो समझदार होगी, समझदार सोसाइटी बनेगी हमारी। मगर उनको दिखा, उनको देना है, जब देंगे तो तभी तो पाएंगे हम। एंड मैम आपको हाईएस्ट टीचर अवार्ड मिला है, जी, उसके लिए आपके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैम। उसका थैंक यू कुछ सो मच। एक्सपीरियंस शेयर करिए हम लोगों के साथ। हाँ जी, क्यों नहीं, मैं करूंगी आपके साथ शेयर। एक्चुअली
जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल था, टीचिंग लर्निंग जिससे हम बच्चों को सिखाते हैं, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैंने मार्केट से नहीं लिया है। कोई भी चीज मैंने मार्केट से नहीं लिया, मैंने ऐसे ही दुकानदारों के डस्टबिन से निकाल के उन चीजों को कलेक्ट किया है। मैंने अपने घर से ऐसी ऐसी चीजों को कलेक्ट किया है जिनको फेंकते हैं। अब मुझे मालूम होता, पहले तो मैं आपको दिखाती थोड़ा सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो आइडिया आना बहुत, मतलब क्या मैं बोलूं कि आइडिया काम करता है। आइडिया आना, हर किसी को आइडिया नहीं आता। मान लीजिए इस वक्त जो माइनस टेम्परेचर है अभी यहाँ पे श्रीनगर में, श्रीनगर में वादी में जम्मू कश्मीर में, तो माइनस टेम्परेचर होने के बावजूद बोतल, जो हॉट वाटर बॉटल्स है, हम उनका यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खराब हो जाती हैं। उनको फिर क्या किया जाता है, उन बोतल्स मैम, फेंक जाता है। फेंक दिया जाता है। मैंने फेंकी नहीं, मैंने उनको, उन बॉटल्स को काट काट के एक ऐसी तस्वीर बनाई है जिसमें बादल भी हैं, जिसमें मकान भी है, जिसमें पेड़ भी है, जिसमें हर कोई चीज है। यानी उन लो कॉस्ट, लो कॉस्ट नहीं, ये नो कॉस्ट है, नो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बच्चे, छोटी छोटी पाइप्स होती है इसमें, जब वो जूस लेते हैं, पाइप्स, उन पाइप्स को जमा करना, उन पाइप्स को काट काटना, छोटे छोटे काट काट के सुई धागा देना बच्चे को, फिर सुई धागे में उन पाइप्स को, छोटे छोटे पाइप्स के छोटे छोटे टुकड़ों को पिरोना। साथ साथ काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है, और दो कलर्स के बाद, दो कलर के बाद एक तीसरा कलर। जब रीजनिंग के समय होता है, जब रीजनिंग के सवाल आते हैं, दो के बाद, मैंने दो के बाद तीसरा कलर डाल दिया, तीसरे चौथे चौथे पांचवे के बाद दूसरा कलर डाल दिया, तो वो एक तो वो बनाते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। मतलब छोटा, छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीजों का यूज किया है, ऐसी छोटी छोटी चीजों का जिनको हम फेंकते हैं पूरी तरह से। स्केच पेन जो है, स्केच पेन जो यूज्ड है, जो खराब हो गए हैं, जो खत्म हो गए हैं, उनको अंदर से वो जो कॉटन, कॉटन ही होता है, मान ले कि कॉटन होता है, उनको निकाल निकाल के एक फुलवारी बनाना, बच्चों को दिखाना। मैंने एक प्रोविजन स्टोर बनाया था, प्रोविजन स्टोर एक चार्ट पेपर पे, जैसे रैपर्स होते हैं, साबुन के, साबुन का रैपर, बिस्किट का रैपर, बटर का, ऐसे रैपर्स, बच्चे उनको रेट लगाई थी मैंने, एक्सपायरी, एक तो बच्चे देखते थे एक्सपायरी डेट जब वो कोई चीज लेते थे, और उसके बाद वो देखते थे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी और रेट। रेट के साथ साथ जब कोई बच्चा कोई चीज लेने के लिए आता था, यानी 5 रुपए में मैंने साबुन रखा है, 5 रुपए लेके आता है बच्चा, 10 रुपए लेके आता है, मैं 5 वापस देती हूँ, मेरे पास आ जाता है 5 रुपए। ऐसे ही दूसरा बच्चा कोई और चीज लेके आता है, और मैं उनको सिखाती हूँ कि प्लस 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 कैसे होता है, और आपके पास जो पैसे थे वो माइनस 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 कैसे, प्लस माइनस, और इन सभी, और ऐसा ट्रेस बोर्ड मैंने बनाया था, और ऐसे ही मैंने बेस बोर्ड बनाया था। ऐसे ही मैंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इस तरह यूज किया कि एट अ टाइम चार चार पांच पांच छह छह बच्चे उनके साथ खेल, मतलब दीवार पे मैंने लटकाया, दीवार पे मैंने लगाया था, जैसे छोटे बच्चों के लिए एक तरफ से इंग्लिश लेटर्स, दूसरी तरफ से उर्दू के लेटर्स, हुरूफ बोलते हैं उनको उर्दू में, और तीसरी तरफ से 0 से लेके 9 तक जो ये नंबर्स हैं। तो एट अ टाइम, एट अ टाइम जो परमानेंट मार्कर से लिखा था, और नीचे जो खाली रखा था एक बॉक्स, छोटे छोटे डब्बे बना के, और उन डब्बों में बच्चे लिखते थे। मुझे मुझे कोई, मतलब मैं हैरान हो जाती थी कि मेरे लिए कोई काम ही नहीं है, सिर्फ बच्चे खुद करते, सिर्फ बच्चे खुद करते। और इसके अलावा वही बेस बनी, मेरे नेशनल अवार्ड की जो 2020 में मिला, वो बेस बनी उन चीजों की, उस, वो चीजें बेस बनी मेरे नेशनल अवार्ड की।
यस मैम, आप सरकारी स्कूल इनिशिएटिव के लिए कुछ कहना चाहेंगे मैम? देखिए सभी टीचर्स जो हैं, जैसे सरकारी स्कूल में, सिर्फ सरकार से इतना बताना चाहूंगी कि टीचर्स की कमी है, उनको पूरा करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब कहीं कहीं पे हो गया है स्टार्ट, मगर मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहूंगी कि हमारे जो स्कूल है, मेरा स्कूल एक कमरे पे मुश्तमिल है, एक कमरे में 6 क्लासेस। कैसे पढ़ाएगा इंसान एक ही कमरे में 6 क्लासेस को पढ़ाना, ये बहुत मुश्किल है। मगर उसी में से इतने फूल आ गए हैं आगे, जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में खिलते हैं फूल, कीचड़ में ही फूल खिल के आ गए हैं आगे, और वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, सुनना भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात है सुनना, जब सुनेगा तभी तो बोलेगा इंसान। और मेरी जो सुनने वाले हैं, जो अभी देखने वाले हैं, उनको सिर्फ ये गुजारिश है उनसे कि सुना करें, हो सकता है आपके सवाल का जवाब मिले, कहीं ना कहीं आगे पीछे आपके सवाल का जवाब जरूर मिलता है जब आप सुनेंगे। और अवार्ड का जो आप बोल रही थी, अवार्ड मतलब स्टार्ट उसी से हो गया था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज करना है, कम्युनिटी को कैसे मतलब उनका सुनना है, उनको बताना है स्कूल के बारे में, मतलब गर्ल एजुकेशन के हवाले से, जो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कितनी जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, उन बच्चों, मान लीजिए इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से मैं सिर्फ आपको एक बात, मतलब जैसे हम सिखाते हैं बच्चों को साइन लैंग्वेज, मिसाल के तौर पे साइन लैंग्वेज जब हम सिखाते हैं तो ये सिर्फ सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है, साइन लैंग्वेज हर किसी के लिए है, हर टीचर के लिए है साइन लैंग्वेज, हर बच्चे के। अगर हमने सिर्फ उन बच्चों को सिखाया, वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे आम लोगों से, आम बच्चों से वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। इसलिए स्कूल के हर बच्चे को साइन लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है, ताकि वो ऐसे बच्चे के साथ कम्युनिकेट करे। टीचर्स को सुनना है और सीखना है, और इसके अलावा जो घर वाले हैं उनको भी बहुत जरूरी है कि वो सीख लें। यानी हर चीज, जब हम बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे तब जाके वो आगे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।